एक तरफ आर्थिक राजधानी समेत पूरा महाराष्ट्र कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में एक बार बड़े धड़ल्ले से चलाया जा रहा था, जिसका नाम मानसी बार बताया जाता है। सरकारी दिशा निर्देश और कोरोना नियमों की यहां धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद अभी एक सप्ताह पहले मानसी बार पर पुलिस ने छापा मारकर 6 बार स्टाफ समेत 21 ग्राहकों को हिरासत में लिया था। इसके अलावा पुलिस ने बार में बने गुप्त तहखाने से 6 बार बालाओं और एक किन्नर को मुक्त कराया था। इस कार्रवाई के तत्काल बाद पुलिस प्रशासन ने मनपा कमिश्नर को पत्र लिखकर बार में बनाए गए अवैध तहखाने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था, जिसके बाद मनपा प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में पूरे दलबल के साथ मानसी ऑर्केस्ट्रा बार पर अपना बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के चलते संपूर्ण महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों के साथ संचार बंदी लागू की गई है। इस संचार बंदी के चलते सभी उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बार माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर देर रात चोरी छिपे ऑर्केस्ट्रा बार के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए बार के संचालक ग्राहकों को पीछे के दरवाजे से बार में एंट्री देते हैं, ऐसी जानकारी पुलिस से निकलकर सामने आई है। काशीमीरा पुलिस को मुखबिर द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि इस बार में अवैध संचालन किया जा रहा है, जिसके तत्काल बाद काशीमीरा पुलिस ने मानसी बार पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देकर कईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और अब मानसी बार में अवैध तरीके से किए गए निर्माण कार्य पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका का बुलडोजर चल गया। मीरा भाईंदर मध्ये मानसी डांस बार जो आहे, याच्याबद्दल आम्ही नगर रचना विभागाला पत्र दिलेलं होतं की या हॉटेलबद्दल पोलिसांनी पण कारवाई केलेली आहे, याच्या वैधतेबद्दल किंवा बांधकामाबद्दल आम्हाला माहिती द्यावी। नगर रचनाकडनं आम्हाला माहिती मिळालेली की सदर बांधकाम हे अनाधिकृत आहे, त्यामुळे आज आम्ही हे पूर्ण बांधकाम तोडत आहोत। याबाबत आम्ही नगर रचनाला पत्र दिलेलं आहे की याच्या व्यतिरिक्त आणखी आम्हाला जे पूर्वी जे झालं होतं की यादी बॉब, तर ती यादी आमच्याकडे अजून प्राप्त नाही, पण ती यादी प्राप्त होताच किंवा आम्ही वैयक्तिकही काही हॉटेलबद्दल पाठपुरावा करून कारवाई त्याच्यावर करतो, याच्यानंतर इतरही हॉटेलवर किंवा